वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. इन द प्रीवियस लेसन वी ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉलेट एक्ट 1919 एंड हाउ दैट एक्ट एडवर्सली अफेक्टेड पीपल इन इंडिया. इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट वाज खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड व्हाई गांधी जी टुक अप द खिलाफत इशू. दैट वाज द रिलीजियस इशू. And that issue was merged with the non-corporation movement to win Swaraj for the country. So, story यहाँ से शुरू होती है कि वर्ल्ड वॉर वन में जो टर्की था उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ अलाइड किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. लेकिन हुआ क्या, जो वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्रिटिश है वो उन्होंने बैटल को जीत लिया और उसके बाद ऐसे र्यूमर्स आने लगे कि जो ब्रिटिशर है वो जो यहाँ का जो एम्परर है, जो टर्की का जो एम्परर है, इस पे बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटी ये इम्पोज करने वाले हैं. दैट मीन्स जो टर्की का जो सुल्तान है उसकी जितनी भी पावर्स हैं उनको ये लेने वाले हैं. दैट मीन्स अब इसके बाद क्या हुआ, बिकॉज जो एम्परर था टर्की का उसको खलीफा भी कहा जाता है. खलीफा मीन्स दैट इज दिस एम्परर ऑफ टर्की वॉज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, अगर जो उनके स्पिरिचुअल हेड हैं उनसे सारी पावर्स ले ली जाएंगी तो ये बहुत ही बुरी बात थी. जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था. इसीलिए उन्होंने जो दो अली ब्रदर्स हैं, दैट मीन्स सौकत अली एंड मोहम्मद अली, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई 1919 में. सो 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई टू डिफेंड द पावर्स ऑफ खलीफा. खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई और जो ये खिलाफत कमेटी जो बनाई गई ये बनाई थी अली ब्रदर्स ने, सौकत अली एंड मोहम्मद अली. इन्होंने ये कमेटी बनाई थी टू डिफेंड द पावर्स ऑफ खलीफा. सो ये दोनों जो भाई थे ये गांधी जी के पास गए फॉर हेल्प और इन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी. लेकिन गांधी जी ने इनकी हेल्प क्यों करी, वाई गांधी टुक अप द इशू ऑफ खलीफा. टुक अप इशू ऑफ खलीफा, उन्होंने ये खलीफा का इशू क्यों इन्होंने लिया, और बिकॉज़ ये बहुत ही एक रिलीजियस इशू था, इन्होंने ये इशू इन्होंने क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न ये था बिकॉज़ जो रॉलेट सत्याग्रह था वो बेसिकली वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था लेकिन वो लिमिटेड था सिटीज़ और टाउन्स में. दैट मीन्स द रॉलेट सत्याग्रह was limited to towns and cities. Limited to towns and cities. That means एक widespread जितना होना चाहिए था कंट्री साइड में भी उतना ज़्यादा ये widespread नहीं हो पाया था. एक reason ये था. दूसरा, गांधी जी चाहते थे कि एक बहुत बड़ा movement किया जाए जिसमें कि हमारी कंट्री के जो ज़्यादातर लोग हैं उसमें participate करें ताकि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जितनी भी हमारी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएं. इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इंडिया में यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वॉज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट. अब जो खलीफा का जो इशू था बिकॉज ये मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड था तो गांधी जी ने इसीलिए जो खिलाफत इशू है उसको उन्होंने लिया ताकि वो हिंदू और मुस्लिम में एक यूनिटी ला सकें ताकि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड जो मूवमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स स्टार्ट किया जा सके. गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता में एक सेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन जो हुआ था उसमें गांधी जी ने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और कांग्रेस है
उसको गांधी जी ने कन्विंस किया कांग्रेस लीडर्स को कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हमारी कंट्री में हमें स्टार्ट करना चाहिए विद द खिलाफत इशू, उसके साथ में खिलाफत इशू को लेकर हमको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए टू विन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब लेकिन गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट करना चाहते थे? बिकॉज गांधी जी ने अपनी एक बुक में जो उन्होंने ही लिखी है हिंद स्वराज में, उन्होंने ये बताया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमारी कंट्री में सिर्फ इसलिए रूल कर पा रहे हैं बिकॉज हम जो इंडियंस हैं उनको कॉरपोरेट करते हैं। अगर हम उनको कॉरपोरेट करना बंद कर देंगे, हम उनके साथ कॉरपोरेशन करना बंद कर देंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं दे विल नॉट एबल टू रूल इंडियंस। इंडियंस को वो बिल्कुल भी रूल नहीं कर पाएंगे अगर हमको कॉरपोरेट करना बंद कर दें। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि हमारी कंट्री में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। इनिशियली कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लीडर ऐसे थे जो कि इसको अपोज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि जो मेथड्स हैं जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जो लिए जाने हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का एक जो मेथड था उसमें ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ये बायकॉट करना था, इन्हें दैट मीन्स जो इलेक्शंस हैं उनको बायकॉट करना था। लेकिन जो कांग्रेस में जो कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ बायकॉटिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसकी वजह से लेकिन गांधी जी ने उनको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को जो लीडर्स थे इन्होंने मंजूरी दी। और उसके बाद 1921 में, दैट मीन्स जनवरी 1921 में जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया। और यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट जो सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो किस किस टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था जो गांधी जी ने दिया था कि हम खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करके अपनी कंट्री के लिए जो स्वराज है उसको हासिल करेंगे, तो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। जनवरी 1921 में जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द मूवमेंट इन टाउन्स एंड द मूवमेंट इन कंट्रीसाइड। कंट्रीसाइड दैट मीन्स विलेजेस में किस तरह से इस मूवमेंट को लिया गया और किन किन लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। पहले हम बात करेंगे मूवमेंट इन टाउन्स में। यहाँ पे लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, पहले हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास कैसे पार्टिसिपेट किया इन्होंने। फर्स्ट, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दैट मीन्स जो भी गवर्नमेंट, जो भी स्कूल और कॉलेजेस चला रही थी, इन्होंने इसको बॉयकॉट करने का सोचा और इन्होंने इसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। और यहाँ से इन्होंने अपने दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जाना इन्होंने शुरू कर दिया। सेकेंड, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो लॉयर्स हैं उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं गवर्नमेंट जो कोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने उसको गिव अप कर दिया, लीगल प्रैक्टिसेस। थर्ड, काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट फॉर मद्रास। मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया।
बिकॉज़ बेसिकली जो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की थी, और इनको लगता था कि अगर हम इलेक्शंस अगर हम लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो हमको वो मिलेगी, कुछ पावर्स वगैरह मिलेगी, जिसकी वजह से अभी तक जो पावर्स थी वो ब्राह्मण्स के हाथ में थी। तो इसीलिए ये चाहते थे कि ये भी जो पावर्स हैं उसमें कुछ हद तक पार्टिसिपेट करें। फोर्थ, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, दैट मीन्स नाउ जितने भी जो फॉरेन गुड्स हैं उनको लोगों ने पहनना, उनको यूज़ करना लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने जो खादी है उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज उनके जो गुड्स हैं वो अभी हमारी कंट्री में कोई उनको ख़रीद नहीं रहा था, तो फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा इसका लॉस हुआ। बट ये जो मूवमेंट था ये ज़्यादा दिन चला नहीं, द मूवमेंट वॉज ग्रेजुअली स्लोड डाउन। उसके पीछे रीज़न था, बेसिकली दो रीज़न थे। फर्स्ट, जो खादी थी इट इज़ कॉस्टलियर देन मिल प्रोड्यूस्ड गुड्स, दैट मीन्स अभी जो मिल प्रोड्यूस गुड्स हैं वो बहुत ही रिलेटिवली चीप होते थे, और जो खादी जो था, जो खादी के जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। अब कॉस्टली होने की वजह से जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल कैन नॉट अफेक्ट कैन नॉट अफोर्ड खादी, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड खादी बिकॉज इट इज़ कॉस्टलियर देन द मिल प्रोड्यूस गुड्स। सो इसीलिए इन्होंने ये जो खादी का जो यूज़ था ये इतना ज़्यादा चल नहीं पाया। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि हमारी कंट्री में जो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस है वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, दैट मीन्स अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस वर नॉट प्रेजेंट। इसीलिए जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दोबारा स्कूल और कॉलेजेस इन्होंने ज्वाइन कर लिए, और जितने भी लॉयर्स हैं इन्होंने भी, जो गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं इन्होंने ये ज्वाइन कर लिए। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है ज़्यादा दिन ये चल नहीं पाया, उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। बेसिकली ये दो रीज़न हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन कंट्री साइड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।